जब कोई सरकार साफ नीयत से गरीबों की परेशानी दूर करने के लिए काम करती है तो उसके परिणाम भी निकलते हैं। नीति आयोग ने कहा है कि हमारी सरकार के 9 साल में देश में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जिस देश में दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे दिए जाते रहे उस देश में सिर्फ 9 साल में करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। 2014 में सरकार में आने के बाद से हमारी सरकार ने जिस तरह गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी, ये उसका नतीजा है। मेरा हमेशा से ये मानना है कि देश के गरीब में वो सामर्थ्य है कि अगर उसे साधन दिए जाएं, संसाधन दिए जाएं, तो वो गरीबी को खुद परास्त कर देगा। आज हम यही होता हुआ देख रहे हैं। हमारी सरकार ने गरीबों की सेहत पर खर्च किया, शिक्षा पर खर्च किया, रोजगार स्वरोजगार पर खर्च किया, उनकी सुविधाएं बढ़ाई, और जब गरीब का सामर्थ्य बढ़ा, उसे सुविधा मिली, तो वो गरीबी को परास्त करके सीना तान कर गरीबी से बाहर निकलने लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक और शुभ समाचार देश को मिला है। भारत में गरीबी कम हो सकती है, ये बात हर किसी को एक नए विश्वास से भरने वाली है, देश का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली है। भारत में कम होती है गरीबी, देश में न्यू मिडिल क्लास का दायरा भी लगातार बढ़ा रही है। आप इकोनॉमी की दुनिया के लोग जानते हैं कि न्यू मिडिल क्लास का बढ़ता हुआ ये दायरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कितना ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में आपको नैसिन को और ज्यादा गंभीरता के साथ अपना दायित्व निभाना है। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही थी। सबका प्रयास का महत्व क्या होता है, इसका उत्तर भी हमें प्रभु श्री राम के जीवन से ही मिलता है। श्री राम के सामने विद्वान, बलशाली और संपन्न लंकाधिपति रावण की विराट चुनौती थी। इसके लिए उन्होंने छोटे छोटे संसाधनों, हर प्रकार के जीवों को इकट्ठा किया। उनके साझे प्रयासों को एक विराट शक्ति में बदला और अंत में सफलता राम जी को ही मिली। ऐसे ही विकसित भारत के निर्माण में भी हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर नागरिक की अहम भूमिका है। देश में आय के साधन बढ़े, देश में निवेश बढ़े, देश में व्यापार कारोबार करना आसान हो, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना है,
सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चलना है। नैसिन का यह नया कैंपस अमृतकाल में सुशासन की प्रेरणा स्थली बने, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।